खबर प्रतापगढ़ जिले के बाघरा इलाके से है, जहां प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी उसके घर पहुंच गया। प्रेमिका ने मिलने से इनकार किया तो नाराज प्रेमी ने पहले अपने भाई को फोन किया, फिर जहर खा लिया। युवक का भाई पहुंचा तो उसे बेहोशी की हालत में सीएससी ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है और इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस के मुताबिक प्रयागराज जिले के सोराव थाना क्षेत्र के बराई गाँव निवासी प्यारे लाल गौतम का 23 वर्षीय बेटा वीरेंद्र कुमार बाघरा थाना क्षेत्र के एक गाँव की युवती से प्यार करता था। दोनों के बीच फोन पर बराबर बातें होती थी। सोमवार दोपहर में वीरेंद्र अपनी प्रेमिका को बिना बताए उसके घर के पास आ पहुंचा और मिलने की जिद करने लगा, लेकिन प्रेमिका ने उससे मिलने से इनकार कर दिया, जिससे वीरेंद्र को गहरा सदमा लगा। इसके बाद उसने अपने भाई अवधेश को फोन करके बताया, जिससे मैं प्यार करता हूं उसने मुझे ठुकरा दिया, तो अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। इतना कहकर वीरेंद्र ने फोन काट दिया और प्रेमिका के घर के पास ही जहर खा लिया। आनन फानन में वीरेंद्र का भाई मौके पर पहुंचा तो युवती के घर से 500 मीटर की दूरी पर वीरेंद्र बेहोशी की हालत में मिला, जिसे लेकर वह अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और वीरेंद्र की सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। बाघराय पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है।